मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। प्रियंका की 1.5 करोड़ की डायमंड रिंग। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में रवीना टंडन के साथ नजर आई प्रियंका की तस्वीर में पहली बार उनके हाथ में अंगूठी नजर आई। इस डायमंड रिंग की कीमत $20 लाख तकरीबन 1.40 करोड़ के करीब है। प्रियंका एक बार फिर निक के लिए देश में ग्रैंड सगाई पार्टी करने जा रही है। 18 अगस्त को होने वाली इस पार्टी के लिए मुंबई के 5-स्टार होटल में बुकिंग हो गई है। मुंबई पहुंचे निक जोनस। निक और प्रियंका की बात अब धीरे धीरे शादी की ओर बढ़ रही है। निक पहले ही इस बात की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। दोनों के रिश्ते के बीच बढ़ती गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निक के परिवार वाले प्रियंका और उनके परिवार से मिलने भारत आ चुके हैं। निक के साथ उनके माता पिता मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। निक की फैमिली से डिनर पर प्रियंका। निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की ये खूबसूरत तस्वीरें उस वक्त क्लिक की गईं जब ये दोनों मुंबई के एक जाने माने होटल में डिनर के लिए पहुंचे। ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। इसमें प्रियंका चोपड़ा की एंगेजमेंट ट्रिक साफ नजर आई। कुछ समय पहले ही प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने एंगेजमेंट की है। इसकी पार्टी जल्दी मुंबई में होने वाली है। बनियान पहन निकले रणवीर। बॉलीवुड के पावर हाउस कहे जाने वाले एक्टर रणवीर सिंह हाल ही में बांद्रा में बनियान और उस पर माला पहने नजर आए। उन्होंने मैचिंग कलर की जीन्स और शूज पहन रखे थे। इंस्टाग्राम पर नंबर 1 श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर स्कोर ट्रेंड्स इंडिया के अनुसार इंस्टाग्राम पर सबसे लोकप्रिय सेलिब्रिटी बन गई हैं। ये पहली बार हुआ है श्रद्धा को जहां रैंकिंग में 100 अंक मिले हैं, वहीं आलिया भट्ट को 85 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल हुआ है। दीपिका पादुकोण को 68 अंकों की वजह से तीसरा और प्रियंका चोपड़ा को 67 अंकों के साथ चौथा स्थान मिला है। सोनम कपूर आहूजा 59 अंकों के साथ 5वें स्थान पर हैं। वर्जिनिटी पर बोले करण जौहर। हाल ही में करण से उनके रेडियो शो पर वर्जिनिटी को लेकर सवाल किया गया। करण ने कहा किसी भी रिश्ते की शुरुआत बेहुदा उम्मीदों के साथ नहीं होनी चाहिए, लोगों को वर्जिनिटी को आधार बनाना बंद करना चाहिए। करीना ने रखी स्पेशल पार्टी। सैफ अली खान ने अपना 47वां बर्थडे फैमिली के साथ मुंबई में मनाया। इस बर्थडे बैश में करीना कपूर संग पूरा परिवार नजर आया। सैफ के जन्मदिन के मौके पर स्पेशल चॉकलेट केक बनवाया गया था। करीना कपूर ने सैफ के लिए जो केक बनवाया उस पर वी लव सैफू लिखवाया। महल जैसी है सलमान की वैनिटी बैन। सलमान की वैनिटी बैन की इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी कीमत करोड़ों में होगी। इस वैनिटी बैन पर जरूरत की हर चीज मौजूद है। वैनिटी बैन के अंदर सलमान की बड़ी सी तस्वीर भी लगी है। फिल्म सत्यमेव जयते की मार्केट डाउन। फिल्म सत्यमेव जयते को दूसरे दिन 50% से कम ही दर्शक देखने पहुंचे। दूसरे दिन इस फिल्म ने 7 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन अपने नाम किया। पहले दिन फिल्म ने 20 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था, वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है। गोल्ड का भाव गिरा। पहले दिन 25 करोड़ से ज्यादा की शानदार ओपनिंग हासिल करने वाली फिल्म गोल्ड 16 अगस्त को सिर्फ 8 करोड़ रुपए का ही कारोबार कर पाई है। इसी के चलते कुछ मल्टीप्लेक्स में फिल्म के कुछ शोज कम कर दिए गए हैं। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के बारे में बताते हुए ट्विटर पर लिखा, गुरुवार को गोल्ड में गिरावट देखी गई। नवीन बद्रा की नई फिल्म बॉली ड्रीम्स। फिल्म बॉली ड्रीम्स बॉलीवुड के लिए संघर्षरत कलाकारों की व्यथा और उनके संघर्ष की कहानी है। कुछ देह व्यापार में उलझ जाते हैं। फिल्म के लेखक व निर्देशक नवीन बत्रा हैं। इसे एस दुर्गा फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जा रहा है। फिल्म में सतीश यादव व एमी के साथ कई लोकप्रिय सितारे जैसे मुकुल देव, हिमानी शिवपुरी, गुलशन पांडे, सुधा चंद्रन व कई अन्य सितारे हैं। अर्जुन कपूर का वेडिंग प्लान। अर्जुन ने कहा, मैं तब शादी करूंगा जब रिया और अंशुला की शादी हो जाएगी। इसमें 2, 4 या 6 साल लग सकते हैं, मुझे नहीं पता। तो अर्जुन ने फैंस के लिए कम से कम ये तो साफ कर दिया है कि फिलहाल उनकी शादी को लेकर खबरें नहीं आने वाली हैं। नेगेटिव रोल में प्रतीक बब्बर। प्रतीक बब्बर नितेश तिवारी की अगली फिल्म में शामिल होने के लिए एक्साइटेड है। फिल्म में प्रतीक नकारात्मक भूमिका में दिखेंगे और उन्होंने पहले ही बास्केटबॉल और फुटबॉल की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। पार्टी में छाई अनन्या और जानवी। पिछले दिनों मनीष मल्होत्रा ने एक पार्टी होस्ट की थी जिसमें बॉलीवुड के सभी बड़े दिग्गज सेलेब्स ने शिरकत की। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा से लेकर काजोल, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, सोफी चौधरी, सोनाक्षी सिन्हा, एकता कपूर, भूमि पेडनेकर जैसे स्टार्स के अलावा न्यू कमर्स में जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सारा अली खान, आथिया शेट्टी, शनाया कपूर, खुशी कपूर जैसे स्टार किड्स भी मौजूद थे। कपूर खानदान में बच्चे पैदा नहीं होते। फिल्म संजू में देखने के बाद गर्व करते हुए ऋषि कपूर कहते हैं कि कपूर खानदान में बच्चे नहीं बल्कि बाप पैदा होते हैं। ऋषि कपूर ने कहा, जिस तरह का काम रणबीर ने किया है उसको देखकर यही लगता है कि वो मुझसे आगे है। मेरे एक बेहद करीबी मित्र हैं, वो अक्सर कहा करते थे कि कपूर खानदान में बच्चे पैदा नहीं होते, कपूर खानदान में तो बाप पैदा होते हैं, लेकिन इसको सुनकर गर्व महसूस करता हूं। कृति ने कहा, आओ कभी हवेली पे।
कृति सैनन फिल्म स्त्री में आइटम नंबर करती नजर आएंगी। कृति के स्पेशल आइटम नंबर का टाइटल होगा आओ कभी हवेली पे। फिल्म निर्माता कृति के स्पेशल आइटम नंबर को फिल्म की रिलीज से एक सप्ताह पहले लॉन्च करने के इच्छुक हैं। कहा जा रहा है कि इसे प्रमोशन पर्पस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा जो फिल्म के अंत में दिखाई देगा। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए मायापुरी कट।